दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग, पीने के लिए पानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा रेस्टोरेंट वहीं। आज दुनिया से कोई भी चीज अगर आप इंडिया मंगाएंगे ना पार्सल, यूरोप से या अमेरिका से कहीं से भी आप पार्सल मंगाएंगे, वो एक्सचेंज करेगा कहाँ? दुबई ले आ, यूट्यूब डायमंड बटन भेज ले, तो वो भी कहाँ पे ले आके छोड़ा? दुबई में। इतना होशियारी किया है ना वहाँ पर। ये यहाँ बहुत ज्यादा डेवलप है, दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, सारा चीज सब कहाँ पे है? दुबई में। दुबई को पता था यहाँ के शेख को, राजा को यहाँ क्या कहा जाता है? शेख। शेख बिन किंग सलमान तो दुबई यहाँ का है, सऊदी अरब का है, और यहाँ का राशिद अल मखदूम, शेख किंग शेख राशिद अल मखदूम, समझ में आ गया? लेकिन पूरे सऊदी में सबसे रेस्पेक्ट से हम उसी का नाम लेते हैं, क्योंकि वो इंसान विजनरी पर्सन। यूएई में पीने के लिए पानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा रेस्टोरेंट वहीं है। बुर्ज खलीफा के आगे जो फुहारा लगा हुआ है ना, आर्टिफिशियल झील बना दिया, बारिश नहीं होती है ना तो क्लाउड सीडिंग करता है, हवाई जहाज में सिल्वर नाइट्रेट भर के और उसका बादल में ले जाके छोड़ दिया जाता है। वो क्या करता है ना, बादलों को एक पास ले जाता है, बारिश करा दिया जाता है, नीचे तालाब बनाया, पूरे पानी को स्टोर कर लेता। तो बहुत डेवलप है। उनको पता था कि हमारी देश की इकोनॉमी तेल पे नहीं चलने वाली, क्योंकि तेल आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने फैक्ट्रीज को लाया यहाँ पे, बड़े बड़े ऑफिसेस को वहीं पे लाया यहाँ पे, ट्रांजिट हब बना दिया। आज दुनिया से कोई भी चीज अगर आप इंडिया मंगाएंगे ना पार्सल, तो कोई भी बड़ी जहाज डायरेक्ट तो आएगी नहीं, यूरोप से या अमेरिका से कहीं से भी आप पार्सल मंगाएंगे, वो एक्सचेंज करेगा कहाँ? दुबई ले आके। आपको जब भी चेंज, आप इंटरनेशनल अगर पार्सल मंगाएंगे तो यूपीएस ले आएगा, इंटरनेशनल पासवर्ड के पार्सल के लिए यूपीएस है या फेडेक्स है। इंटरनेशनल मतलब जो होता है ना उसमें ज्यादा यूपीएस तो ज्यादा यूज होता है। ये एगो गूगला जो है ना, अरे यूट्यूब, एगो इतना बड़का थरिया बराबर ना डायमंड बटन भेज ले, भेजा है अभी हम तो, हाँ अभी हाँ भेज दिया ले, ओकरा फुर्स ना, उसको फुर्सत मिला ना हमरा फुर्सत मिला। बाद में हमको पता चला कि वो एक जगह मैसेज भेजा था, उस पर यस क्लिक करना था। क्या करना था? यस। हम कर भी नहीं किए थे, इसलिए रोक के रखा था। अचानक खलिया बैठे थे, हम कहे ओ माय गॉड यस यस, तो कहा ओके भेज दिया। तो वो भी कहाँ पे ले आके छोड़ा? दुबई में। तो ट्रैकिंग आईडी दिया रहता। तो आप दुनिया में अगर ज्यादा चीज लाएंगे ना, कहाँ पे सब होता है? दुबई में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोना पे, इतना होशियारी किया है ना वहाँ पर। वहाँ पे आप वहाँ से सामान खरीदिएगा, आईफोन खरीदिएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो वहाँ एक लाख का वहाँ पड़ेगा 55,000 का, तो आप अपने साथ मैक्सिमम दो ही ला सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? आप सपोज कीजिए कि आप अगर यहाँ आईफोन खरीदना चाहते हैं तो कितना का पड़ेगा? 1,00,000। तो चुपचाप आप दुबई चल जाइए, 45,000 में दुबई घूम लीजिएगा, 55,000 का आईफोन खरीद लीजिएगा, फ्री में हो गया दुबई का घूमना नहीं हो गया, पासपोर्ट लगता है, समझ में आ गया कि नहीं गया? इन्हें कैसे तो दुबई टूरिस्ट प्लेस, इंडस्ट्रियल हब, हर चीज बना के भर दिया कौन? दुबई। आज दुबई मतलब अरब वालों का एक अलग ही नक्शा बना दिया दुबई। आप बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब, आर्टिफिशियल आइलैंड, पाम आइलैंड, ये सारा चीज को टूरिस्ट के लिए हब बना दिया। और यहाँ जितने अमीर आदमी हैं वो सब दुबई देख लिया कि हमको किसको ले आना है? अमीरों को ले आना है। पूरी दुनिया के जितने अमीर लोग हैं सब ज्यादातर कहाँ जाते हैं? दुबई। पूरी दुनिया से हमारे यहाँ जो हीरो हीरोइन है, इन सबको शॉपिंग करना है तो कहाँ चल जाता है? हाँ दुबई।